आदाब सत श्री अकाल, मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस सेवन न्यूज। आज हम आपको बता दें कि पुल खुल अभियान चौथा एपिसोड में लेकर आपको मैं फिर से हाजिर हूं। और आपको यह बता दूं कि महमदा इंटर कॉलेज महमदा के प्रभारी प्रचार सुनील कुमार सिंह गमन किया है, उसी को लेकर उसी विषय पे उसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे समक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू यादव जी। स्वागत है राजू यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और यस सेवन न्यूज को पूरे बिहार और देश में जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी का हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूं। राजू यादव जी, सुनील कुमार जो सिंह है वो महमदा इंटर कॉलेज महमदा ने ऐसा क्या गमन कर दिया भारी मात्रा में जो उन पे ऐसा गंभीर आरोप लगा हुआ है और आपने लगाया है? मैं तो लगाया ही हूं। शिक्षा विभाग कहां छोड़ दिया है? मैं तो सिवान जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान के आदेश और निर्देश को लेकर पटना हाई कोर्ट में केस दायर किया था, जिसका CWJC संख्या 212/2024 है। और 212/2024 पारित आदेश को मैंने आज उनके कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन के माध्यम से, जैसे कि आप देख सकते हैं इस ज्ञापन को जो दिए हुए हैं, तो ये हमारा स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ज्ञापन के माध्यम से मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपना आदेश पारित कर दिया है और उसके आधार पर निदेशक शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नील कमल जी ने आदेश भी पारित कर दिया है, जिसमें इन महमदा इंटर कॉलेज महमदा के प्रभारी प्रचार सुनील कुमार सिंह और इनके कर्मचारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करके 10 दिनों के अंदर कानूनी कार्यवाही करके रिपोर्ट सौंपेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र सिंह के द्वारा इन सभी गमन के आरोपियों पर कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। मैं लगातार जब ऑफिस से कांटेक्ट किया तो मुझे मालूम चला कि संजीव कुमार सिंह हेड क्लर्क हैं DEO के, जो सारे फाइल को दबा दिए हैं। कौन दबाए हैं? संजीव कुमार पांडे जी सारे फाइल को दबा रहे हैं, फाइल को दबा दिए हैं। और मुझे तो लगता है कि ऐसे पदाधिकारी राजेंद्र सिंह के जैसा भगवान नहीं करे कि ऐसा पदाधिकारी सिवान में आवे। क्यों ऐसे कह रहे हैं इतना? अरे भाई, राजेंद्र सिंह जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, ये तो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के और गुमराह करने के बहुत बड़ा फैक्ट्री है। इन्होंने आज मुझसे कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और निर्देश को भी कह रहे हैं कि हमको मालूम नहीं है। बताइए, माननीय उच्च न्यायालय को और ये सब लोगों के द्वारा ये भी आज मुझसे कहा गया मौखिक रूप से। मैं इनके कार्यालय में मिलने गया था, सामने कहा गया था कि फाइलें नहीं मिल रहा है, यदि फाइल नहीं मिलेगा तो मैं सभी के खिलाफ फिर FIR दर्ज करूंगा। और आपने दिए हैं और फाइल ही नहीं मिल रहा है, तो जो 2020 से और अब तक 24 तक 24 सेशन का जो लागे तक है सब जांच करके FIR इन पर दर्ज नहीं होती है, तो मैं पुनः फिर एक बार हाईकोर्ट जाऊंगा और लोकतंत्र में यह हर एक नागरिक को अधिकार है कि जहां भी भ्रष्ट काम हो रहे हैं उसका उल्लेख करें, उसको दर्शाने के लिए, उसको उजागर करने के लिए मौखिक रूप से मिले, पत्र लिखकर मिले, नहीं कोई मानता है तो आंदोलन करके मिले,
पूरे समाज को सरकार को बताने का काम करें। अच्छा, जिससे आपने बताया कि वो मिल नहीं रहा है, तो फाइल दबा कहां गया, दबा कहां दिया? विभाग दबाया है। मैं आज उनके व्हाट्सएप नंबर पर, मैं अपने व्हाट्सएप से पत्र को भेजने का काम किया हूं और आग्रह किया हूं कि आप एक सप्ताह के अंदर यदि कानूनी कार्यवाही नहीं करते हैं तो मैं आपके विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन करूंगा और सिवान के सभी सामाजिक संगठन, सभी युवा, सभी नौजवान साथी, वैसे लोग जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, एक लड़ाई को अंजाम देना चाहते हैं और इस देश और दुनिया को इस भ्रष्ट अफसरों को, भ्रष्ट माफिया दलाल गमन के आरोपी के खिलाफ अपनी एक आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर सिवान की धरती पर सिवान जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र सिंह के खिलाफ और उनके कार्यालय के सामने एक सप्ताह के बाद आप सभी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप सभी आइए और इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हम सभी एक होकर लड़ाई लड़ने का काम करें, ताकि फिर आने वाले समय में कोई शिक्षक, कोई भ्रष्ट माफिया दलाल के चंगुल में नहीं पड़े। आप सभी को मुझे सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजीव यादव और इन्होंने एक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अपना आगाज शुरू कर चुका है, बस अंजाम देखना बाकी है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ, यस सेवन न्यूज के साथ। धन्यवाद।